नीलशा कौन है? नीलशा इज माय एक्स बॉयफ्रेंड. लव एंड बेस्ट विशेस. दिस इज बुलशिट. कहीं सवाल पे सवाल. यू आर नॉट एनी टाइम इंटीमेट रिलेशन फिजिकली सेक्सुअली मेंटली. तो कहीं सफाई पे सफाई. माँ की कसम खा के कह सकती हूँ, आई डोंट फील फॉर इट. कौन जाने. फोन लगाइए ऑस्ट्रेलिया का जो कॉल था. किस दुल्हन की होने वाली है विदाई. हेलो. स्वयंवर सीजन 2 राहुल दुल्हनिया ले जाएगा कल रात 8 बजे सिर्फ इमेजिन पर. के प्रायोजक हैं मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, रिवाइटल जियो जी भर के और लेमन मोबाइल डिपेंडेबिलिटी इन स्टाइल. हेलो. हाय राम जी. हाउ इज इट गोइंग. बैठिए 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 प्लीज गाइस. Neither am I a woman nor am I old. How's it going? Very well. Ab bahut acche. What do they think about? Kaisi lage dulhane? Sab acche lage. Abhi politically correct answer mat de yaar. Nahi bhai, apna appa hi to kharab hota, baki jag acha. Ab ye kaun sa correct hai, wo to politically acha. Acha ye bata, Ashu zyada interesting kaun lagi? Zyada interesting? Aisa keh nahi sakte kyunki baat hi chal rahi hai. Interest चलो बहुत देर में बनता है कि इंटरेस्ट. फर्स्ट इंप्रेशन यार. एक को तो जूडो आता है, एक तो गाती अच्छा है, एक सालसा डांसर है, एक तो स्विमर है. अरे डंपी जी, आपने डेट के बारे में बताया कि नहीं इनको? नहीं. अरे तो बताया नहीं अब तक कुछ लोगों को. दैट इज सो बैड यार. व्हिच डेट? हाउ कैन यू नॉट से इट. वी वेंट ऑन अ डेट ऑन अ बलून. बलून हॉट एयर. अच्छा हॉट एयर वाला. हॉट एयर बलून. और ये इनका भी पहली बार गरम हवारे की गुबे में जी. गरम हवा द्वारा चले तो गुब्बारा. और दोनों का कुछ क्या बर्थडे सेम डेग में है? मालूम पड़ा कि हम दोनों 25 जुलाई पे पैदा हुए. हाँ, अलग अलग साल में ऑफ कोर्स. मैंने इनसे बोला कि साल नहीं पूछूं. आई एम लाइक फॉलिंग इन लव विद हिम. सो तो व्हाट ही सेड. No, मुझसे ज्यादा ये शर्मा गए. ये शर्मा गए. ये बोल रही थी मेरा तो एक्टर तो भैया सुपर है. वैसे आप एक्टिंग तो अच्छी कर लेते हैं. ये दोस्त लाए मैंने. इन जैसे दोस्तों के साथ दुश्मनों की जरूरत क्या? नहीं मतलब ही नहीं. एक ही पैकेज है. एक्टिंग कर रहे थे आप राहुल? अरे पागल है क्या, एक्टिंग कर रहा था. अच्छा क्या कर रहे थे आप फिर बताओ. यार फंसाएगा मेरे मुझे बुलाएगा. मैंने इनसे सवाल पूछा था, जवाब ये देने वाले. क्या सवाल पूछा? हमने तो आपसे पूछा ना. मैंने इनकी फीलिंग्स बताई कि आप शुरुआत में लेकर अब तक आपकी फीलिंग में कोई बदलाव आया क्या? तो उसका जवाब इन्होंने क्या दिया था? क्या जवाब था? मैं आई सेड कि मैं आई एम थिंकिंग अबाउट हिम ऑल द टाइम. मिलने का दिल करता है. और फिर इन्होंने पूछा कि सो डू यू थिंक यू आर फॉलिंग फॉर मी. और मैंने कहा यस आई डू. ऐसे रिएक्शन था. यार एक बात बता, ये नीलशा कौन है? Nisha is my ex-boyfriend. Dimpi ke face ka rang pura utar gaya tha aur Rahul ke bhi chehre pe sare rang aa gaye the jo aaj tak maine nahi dekhe hain. Jab Ram ne aaye aur unhone kisi ka naam liya, mujhe to naam bhi nahi samajh mein aaya tha us time. तो मुझे लगा कि हो सकता है शायद कोई डिजाइनर विजाइनर होंगे. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भैया यहाँ पे तो हम कुछ मजेदार बात करने वाले हैं, यहाँ पे तो बॉम्ब गिरने वाला है. आप जानते नहीं, बट मैंने इनसे बताया था, पहले डेट में हम लोग का बात हुआ था. बट बताया था ना मुझे, बताया उन्होंने जो भी. तो कौन है नीलशा? वो मुझे पता नहीं कौन है. एक्स बॉयफ्रेंड नाम पूछा नहीं था मैंने. तो एक्स बॉयफ्रेंड मतलब कितनी कितने पास्ट में? हाउ लॉन्ग बैक? जनवरी ब्रेकअप हुआ. मतलब स्टिल नो लिंक्स लेफ्ट और एनीथिंग स्टिल लेफ्ट बिटवीन द टू? वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप. नॉट एट ऑल. ओके. क्या वो जानता है कि तुम इस वक्त राहुल के साथ शादी करने के लिए शो में आई हो? हाँ.
अगर वो जानता है कि तुम यहाँ पर इस रीजन के लिए आई हो और अगर वो ये भी जानता है कि तुम लोग के बीच में अब सिर्फ फ्रेंडशिप है तो वो बार बार फोन क्यों करता है? कहाँ? फतेहगढ़। Well, I'm not sure about that, but शायद it's about acceptance. जब तक मैं दोस्त, you know, till the time he knows that I'm friends with him, and there's nobody in my life, probably he's being able to take it, but ये शादी होने वाला है. Probably he's not totally over me or something. Okay. And he's kind of getting a little hassled there. I'm not sure what's happening क्योंकि मैंने उनसे बात नहीं हुई है. लाइए. आपने इतनी बड़ी बड़ी चीजें बताई जो शायद बतानी भी नहीं चाहिए थी मुझे इतनी जल्दी,